नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NN न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। शुरुआत करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की नॉनस्टॉप न्यूज के साथ। खबर नई दिल्ली से, जहां केंद्र ने नहीं दिया तो हमारी सरकार देगी वैक्सीन, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। अगर देखने वाली बात ये होगी कि इस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। अगर केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराती है तो जरूरत पड़ने पर हम लोग दिल्ली के लिए वैक्सीन मुफ्त कराएंगे। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी बर्फ से इंडिगो का एक विमान टकरा गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इसके साथ ही राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री की जनहानि नहीं हुई। बिजनौर में दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आपको बताते, घर में बुलाकर दबंगों के द्वारा युवक पर जानलेवा हमला कराया गया, जिसमें युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांदपुरा नगर में दिन दहाड़े इस घटना को दबंगों ने अंजाम दिया। परिजनों ने चांदपुरा में दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खबर बिजनौर से है, जहां भारतीयों के काले कानून की प्रतिमा जलाकर आक्रोश किया गया। आपको बता दें, बिजनौर के सियाहारा में सरकार के द्वारा कृषि कानून जहां देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं बिजनौर में भी इसका विरोध देखने को मिला, जहां भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकेट की अगुवाई में भाकियों के इस काले कानून की प्रतिमा जलाई गई और अपना रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह टिकेट ने कहा कि सरकार के द्वारा बने इस कानून पर हम कड़ी निंदा करते हैं और इसको पूर्ण रूप से खत्म करने की मांग करते हैं। खबर बहरोड से है, जहां SDM संतोष कुमार मीणा ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कोविड सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। SDM ने बताया कि 16 तारीख से बहरोड में वैक्सीनेशन शुरू होगा, इसको लेकर ड्राई रन किया जाएगा। बहरोड में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मुख्य सेंटर सभी तमाम 11 से 12 सेंटरों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के दौरान तमाम तरीके के प्रोटोकॉल पर भी पूरी तरह से निगरानी की गई, साथ ही साथ किस तरह से मॉकड्रिल की प्रक्रिया के साथ PMO व चिकित्सकों को व्यवस्था भी की गई। आज कोविड को लेकर हमारा ड्राई रन था, जो कि 16 तारीख से हमारे वैक्सीनेशन शुरू होंगे। तो आज हमने जो हमारा भैरव का मेन सेंटर है और कुल मिला के हमारे 11-12 सेंटर है, तो इनकी व्यवस्था देखने आए। एक हमारा मॉक ड्रिल टाइप से थी कि हमें क्या प्रोटोकॉल अपनाने, किस तरह से हमारे पास लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे, हमें क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ टीका लगेगा, टीके में कौन कौन स्टाफ रहेगा, फिर इमरजेंसी हमारे पास कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, इन सारी जो प्रोसेस है उसका एक मॉक ड्रिल था, उसको मैं देखने आया था। और हमारे डॉक्टर साहब, BCMO सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उम्मीद है कि ये लोग जो कोरोना को लेकर इतने भयभीत थे, उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खबर यूपी से है, जहाँ पूर्व सांसद जयप्रदा पर अवैध टिप्पणी मामले में सपा सांसद आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। मंगलवार को मुरादाबाद की MPMLA की स्पेशल कोर्ट ADJ 5 में जमानत अर्जी सुनाई गई। अदालत ने केस में आरोपियों की जमानत को मंजूरी दे दी। सांसद बेटे को 50,000 के 2 जमानतें, इतना ही नहीं धनराशि पर निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए गए। पिछले साल जून में हुई घटना का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सियासी हंगामा मचा था। मामले की रिपोर्ट के बाद थाना कटघर में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें रामपुर के सांसद आजम खान, बेटे अब्दुल्ला, मुरादाबाद के सांसद ST हसन के अलावा संभल के सपा नेता जावेद आयोजक मोहम्मद आरिज व रामपुर के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। इसमें पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां फरार चल रहा है। खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति ने पाक शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। पाक शोभा यात्रा झांकी की तरह मिथिला की संस्कृति को दिखाते हुए MLSM में से आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरांग पर पहुंची। पाक शोभा यात्रा का उद्देश्य मिथिला एवं दरभंगा के सांस्कृतिक परंपरा व पहचान को अक्षुण रखना है। कामेश्वर नगर अवस्थित चौरांगी पर मुख्य अतिथियों ने महाराज अधिराज रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के अतीत वर्तमान विषय पर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। खबर मोतिहारी से है, जहां एक चौकीदार ही चोर निकला, जिसके बाद चौकीदार का भाई भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, जिला के मुफस्सिल व गोविंदगंज थाना पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 7 अपराधियों को 2 पिस्तल, 1 देशी कट्टा, कार, बाइक में मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में हरसिद्धि थाना चौकीदार का भाई भी शामिल है। वहीं अपराधियों को समक्ष में पुलिस लिखे कार में घटना को अंजाम देने वाला चौकीदार छापेमारी की सूचना पर फरार हो गया। SP नवीन चंद्र झा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट बाजार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने एकत्र होने की सूचना बनाई थी और सूचना को सत्यापित करते हुए तकनीकी शाखा प्रभारी पवनी मनीष कुमार के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी रोहित कुमार व पवनी प्रभाकर पाठक की टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी कर 1 पिस्तल, 4 गोली, बाइक व 3 मोबाइल समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर मोतिहारी से है, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग में युवक के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला मोतिहारी का है, जहां प्रेम प्रसंग में गोली चली वे पूरे परिवार को बंधक बनाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हंसुबाहा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाबा गांव में मातम छा गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
दरभंगा से ही खबर है, जहां मिथिला विश्वविद्यालय व दरभंगा द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष राममोहन झा की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द मांग को पूरा किया जाए। नॉन स्टॉप खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे 3N न्यूज़ नेटवर्क।